Good afternoon guys, myself Radha Vats. Welcome back to my channel Python Spark. So, हम पाइपलॉट कर रहे थे एंड हेयर वी आर इन कंटिन्यूएशन. राइट नाउ हम रैंडम फंक्शन देखेंगे और रैंडम फंक्शन से स्कैटर फंक्शन यूज करना सीखेंगे, कैसे हम पाइपलॉट पे स्कैटर फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन अ प्रोग्राम फॉर यू. द फर्स्ट वन इज यू हैव टू इम्पोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी एज द पीएलटी, यू विल इम्पोर्ट इट. नेक्स्ट वन इज यू विल इम्पोर्ट नंपी एज एनपी. नंपी को क्यों इम्पोर्ट करते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे. नंपी में, नंपी की जो लाइब्रेरी होती है उसमें एक रैंडम फंक्शन होता है. उस रैंडम फंक्शन का हमें यूज किस लिए होता है कि अगर हम सपोज करो लॉटरी के, लॉटरी में जाते हैं तो लॉटरी में क्या होता है, कोई भी ना कोई, अगर सपोज करो 1 to 100 नंबर्स है तो उनमें से कोई भी एक रैंडम नंबर्स आएगा. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक रैंडम नंबर, यानी कि एक सिंगल रैंडम नंबर. तो इसीलिए हम रैंडम फंक्शन यूज करते हैं. कंप्यूटराइज लॉटरी बोलते हैं जो आज के टाइम में आती है सारी, तो वो किसके बेस्ड पे होती है, रैंडम नंबर्स के बेस्ड पे. ठीक है, तो रैंडम फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन कहाँ है, नंपी के मॉड्यूल में. ठीक है, तो इसीलिए हम किसको इम्पोर्ट करते हैं, नंपी को. और क्योंकि मुझे यहाँ प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ बनाना है, इसलिए हम किसको इम्पोर्ट करते हैं, मैटप्लॉट लिबडॉट पाइप्लॉट. ओके ओके फाइन. नेक्स्ट वन इज, द फर्स्ट वन इज दो वेरिएबल लेंगे एक्स एंड वाई, जिसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, प्लॉटिंग करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडम एन, यानी कि रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है. और हमने कितने नंबर्स ले रहे हैं, 1000. ये 1000 डॉट्स तो नहीं है, बट इट्स सपोज टू बी, यहाँ पे 1000 डॉट होने चाहिए. कोई भी 1000 नंबर हो सकते हैं, फ्रॉम माइनस टू प्लस. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम वाई भी ले रहे हैं, उसमें भी रैंडम नंबर ले रहे हैं, रैंडम फंक्शन के साथ. किसको, एनपी डॉट रैंडम, यानी कि यहाँ पे हम इनिशियलाइज पहले ही बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये किस मॉड्यूल का है, एनपी मॉड्यूल का है. किस, कौन सा फंक्शन है, रैंडम फंक्शन है. और रैंडम का कौन सा पार्ट है, रैंडम नंबर पार्ट है. रैंडम के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, रैंडम इंटीजर, ओके, एंड दिस इज रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर. ओके, पीएलटी डॉट स्कैटर एक्स वाई, यानी कि ये एक स्कैटर ग्राफ है. यहाँ पे जो डॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ कोई जॉइनिंग नहीं होती है उन डॉट्स की, सिर्फ वो क्या होते हैं, ऐसे इस तरह से पॉइंटेड होते हैं. ठीक है, तो स्कैटर एक्स कॉमा वाई, आपको इस प्रोग्राम का कभी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज अगर इस तरह का प्रोग्राम आता है, क्यों, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा है. ठीक है, बट आपको इनपुट आ सकता है कि हाँ आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि 1000 वैल्यूज जो है, 1000 वैल्यू एक्स की है, 1000 वैल्यू वाई की है, और उसका क्या बना रहा है, स्कैटर ग्राफ. तो आप उसके लिए क्या करोगे, दोनों फाइल्स को इंपोर्ट किया, एक्स वाई लिखा, स्कैटर किया और शो. सो क्लास, दिस इज आवर नेक्स्ट प्रोग्राम. स्कैटर डायग्राम ही बना रहे हैं हम यहाँ पे, बट कुछ डिफरेंट है. द फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज पीएलटी, यानी कि मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट को इम्पोर्ट करेंगे. मैं यहाँ पे दो चीजें इनपुट करा रही हूँ, एक वेट ऑफ द पर्सन एंड सेकंड थिंग इज हाइट ऑफ द पर्सन. वेट हमने डिफरेंट डिफरेंट लिया है, अकॉर्डिंगली हाइट है. ठीक है, पीएलटी डॉट स्कैटर, स्कैटर यूज कर रहे हैं स्कैटर ग्राफ के लिए. जैसे प्लॉट करते हैं प्लॉटिंग के लिए, स्कैटर स्कैटर ग्राफ के लिए क्या क्या प्लॉट करना है. द फर्स्ट वन इज वेट एंड सेकेंड वन इज हाइट. पहले वाले प्रोग्राम में हमने एक्स एंड वाई लिखा था. सी स्टैंड्स हियर फॉर कलर, यानी कि कलर कैसा यूज करेंगे हम स्कैटर करते टाइम, यानी कि ग्राफ बनाते टाइम मुझे कौन सा कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए. और मार्कर, यानी कि किस अकॉर्डिंगली मुझे मार्क करना है, तो मुझे डॉट करके मार्क नहीं करना है, मुझे एक एस्ट्रिक से मार्क करना है. दिस इज नोन एज, सब बच्चे स्टार बोलते हैं, बट जो इसका नाम है वो एस्ट्रिक्स है. तो इसको मुझे कैसे मार्क करना है, एस्ट्रिक्स. फाइन. नेक्स्ट इज पीएलटी डॉट एक्स लेबल वेट फॉन्ट साइज 16. एक्स लेबल, मैं लेबल पहले भी बता चुकी हूँ, एक्स लेबल यानी कि जो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है. ठीक है, वाई लेबल यानी कि ये जो आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. तो एक्स लेबल क्या हो गया, इस साइड में, और वाई लेबल दिस साइड. तो पीएलटी डॉट एक्स लेबल वेट, यानी कि एक्स लेबल का नाम क्या होगा, वेट, और उसका साइज क्या होगा, 16. इसलिए मैंने थोड़ा इसको एनहेंस करके लिखा है. फाइन. नेक्स्ट वन इज पीएलटी डॉट वाई लेबल हाइट, और उसका भी फॉन्ट साइज 16. यानी कि आप फॉन्ट साइज दे सकते हो अकॉर्डिंगली, आपको इससे छोटा चाहिए तो आप कम लिखोगे, इससे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लिखोगे. तो वायलेबल. नेक्स्ट वन इज पीएलटी डॉट टाइटल स्कैटर प्लॉट, यानी कि इसका टाइटल क्या है, स्कैटर प्लॉट. फाइन. फॉन्ट साइज क्या होगा, 20, तो अकॉर्डिंगली इसका साइज बड़ा होगा. पीएलटी डॉट शो, जो कि हम एक ग्राफ को शो कराने के लिए यूज करते हैं. अब इसका आउटपुट कैसे होगा, ठीक है, सबसे पहले वो इन दोनों को मैच करेगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट. ठीक है, वेट की वैल्यू कितनी है, 74, तो अराउंड यहाँ आना चाहिए. और हाइट की वैल्यू कितनी है, 133, तो अराउंड यहाँ आना चाहिए. तो इस तरह से
यहाँ पे कैसे मार्क लग जाएगा, एक एस्ट्रिक से। अनदर वन इज वेट की वैल्यू कितनी है 36 और हाइट की वैल्यू कितनी है 130। तो सपोज करो ये मेरा 36 है हाइट, ये मेरी सेंटीमीटर में है, ज्यादा मत सोचना, ठीक है। 36 मेरा अराउंड यहाँ तक आएगा, ठीक है। और अगली वैल्यू मेरी कितनी है 113, 113 मेरा इससे कम ही आएगा, तो ये अगला एस्ट्रिक्स कहाँ लगेगा, यहाँ, ठीक है। तो ये स्कैटर्ड है, इनको ज्वाइन नहीं करते हम बाद में, जो पहले के जो प्लॉट का ग्राफ होता है उनको हम बाद में ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, जो भी हमारे डायरेक्शन आती है उसके अकॉर्डिंगली। बट स्कैटर का मतलब ये है ये लोग अलग अलग रहते हैं। अगला अगर मैं प्लॉट करूंगी तो 47 और 147, अगर मैं इसको देखूंगी 47 मेरा यहाँ होगा और 147 अराउंड यहाँ होगा, तो अगला एस्ट्रिक्स मेरा यहाँ आएगा। अकॉर्डिंगली आप सारे को प्लॉट कर सकते हैं। तो इतना ही मेरा स्कैटर ग्राफ है, ठीक है। Guys, next is our bar graph. Bar graph बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब तो आपकी हर बार जरूरी है, because you are baking a graph here. numpy use किया है because we are using here a range function and length function. The first one is y-axis की वैल्यू लिया आपने 20, 50 और 30, ठीक है, कितनी 20, 50 और 30 कुछ भी ले सकते हैं। फिर x एक्सिस को आपने कोई वैल्यू नहीं दी, बल्कि आपने उसको वैल्यू दी है जो भी रेंज आती है y एक्सिस की, उसकी लेंथ की। अब यहाँ देख सकते हो ये हमारा है y एक्सिस, यानी कि ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। इसके बाहर क्या है, लेंथ फंक्शन, यानी कि इस लेंथ फंक्शन का काम क्या है, इसकी लेंथ को काउंट करना। तो अगर इसकी लेंथ को काउंट करता तो कितना आएगा 1, 2, 3, तो यहाँ मेरा आउटपुट आएगा 3। लेंथ फंक्शन ने काम किया और अब ये रिटर्न किसको दिया, रेंज फंक्शन को। तो रेंज फंक्शन को कितनी रेंज आई, 3 रेंज आई, तो मेरा क्या आउटपुट आया कि रेंज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर रेंज मेरी 3 है तो मेरे पास 3 वैल्यू आती, कौन कौन सी, 0, 1, 2, जो मेरे पास इंडेक्स वैल्यू आती, क्योंकि रेंज से हमेशा एक कम होगी, तो 0, 1, 2। तो यानी कि मेरे एक्स एक्सिस की फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 1 एंड 2। उसके बाद पीएलटी डॉट बार, जैसे कि प्लॉट स्कैटर, तो बार ग्राफ के लिए आप क्या यूज करेंगे, पीएलटी डॉट बार। किसको प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, और विड्थ कितनी होनी चाहिए उसकी, जो थिकनेस कितनी होनी चाहिए 0.5 बार ग्राफ की जो आपकी थिकनेस है, और उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू। अब इसके प्लॉटिंग देख लेते हैं, ये आपके आउटपुट में क्वेश्चन आ सकता है और इसका कोड लिखने के लिए भी आ सकता है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो फर्स्ट वन इज कि पहली वैल्यू क्या है 20 और यहाँ पहली वैल्यू क्या है 0। तो अगर मैं 0 देखूं और 20 देखूं तो मेरा कुछ इस तरह से होगा, और मुझे इसकी थिकनेस भी बरकरार रखनी है, पूरा ब्लू कलर में होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कलर क्या लिया है, ब्लू। उसके बाद अगले की रेंज अगला क्या है 50 और यहाँ वैल्यू क्या है 1, तो 50 में देखूंगी और 1 देखूंगी, मैं यहाँ तक वैल्यू आएगी और मैं इसको इस तरह से, ठीक है। अगले की वैल्यू क्या है 30 और यहाँ मेरी वैल्यू क्या है 2, 30 और 2, तो अराउंड मेरा इतना है। मतलब आपका आउटपुट कैसे आएगा, आपको ये पूरा प्रोग्राम दे दिया जाएगा और आपको आउटपुट में क्या लिखना होगा, ये कंप्लीट ग्राफ। अगर ये ग्राफ दे दिया जाता है तो आपको इसके इनपुट में क्या कोडिंग आएगी वो लिखना है, ठीक है। इन केस आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपको दोनों चीजें कर रही है, यानी कि उसका कोड भी लिखना है और उसका आउटपुट भी देना है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे एग्जाम टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग हियर बार ओनली, यानी कि ये भी हमारा एक बार ग्राफ होने वाला है, ठीक है। ये बार ग्राफ सेकेंड है, इसके बाद एक बार ग्राफ हम और करेंगे। सो द थिंग इज दैट इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पैटप्लॉट फाइल रिपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे दो ग्राफ एक साथ बना रहे हैं, यानी कि एक एक्स वाई का ग्राफ बनेगा और एक एक्स टू वाई टू का ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैं दोनों की प्लॉटिंग करूंगी, ध्यान रखूंगी पीएलटी डॉट बार एक्स एंड वाई, और उसका लेबल क्या रहेगा बार्स वन, यानी कि उसका नाम क्या रहेगा, जो भी नाम रहेगा बार्स वन। अगले का नाम क्या है एक्स टू वाई टू, जो एक्स टू वाई टू को प्लॉट करूंगी उसका नाम क्या रहेगा बार्स टू। पीएलटी डॉट एक्स लेबल क्या रहेगा एक्स, पीएलटी डॉट वाई लेबल क्या रहेगा वाई, यानी कि एक्स लेबल मेरा ये है तो इसका नाम हो गया मेरा एक्स, वाई लेबल मेरा ये है तो इसका नाम हो गया मेरा वाई, ठीक है। पीएलटी डॉट टाइटल बार ग्राफ विद मल्टीकलर लाइन। अब यहाँ पे आप यहाँ कुछ ये सिंबल देख रहे हो,
इसका मतलब होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब हम यहाँ पे एंटर तो एंटर मारेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें जो आगे आने वाला कैरेक्टर है वो नई लाइन में चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखते हैं स्लैश एन। तो जो आप टाइटल डालोगे आप कैसे लिखोगे, बार ग्राफ विथ मल्टी कलर मल्टी लाइन टाइटल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बार ग्राफ के बाद मैंने क्या किया, एंटर का यूज किया और फिर जो अगली आने वाली लाइन थी उसको एक न्यू लाइन में लिखा, ठीक है। फिर PLT डॉट लिगेंड, लिगेंड किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो हम लेबल्स हैं उसको साइड में रिप्रेजेंट कर सके। तो मेरा जो ये लेबल होगा इसको हम बार्स वन ले लेते हैं, ठीक है, और मेरा जो ये लेबल होगा उसको हम बार्स टू ले लेते हैं, यानी कि जो भी ब्लू कलर से आएगा उसका नाम है बार्स वन और जो रेड कलर से आएगा उसका नाम बार्स टू। जैसे आप अगर ग्राफ देखते हो अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में, तो ये कलर डिनोट कर रहा होता है वीट को, ये कलर डिनोट कर रहा होता है राइस को, एज इट उसी तरह से, ठीक है, डिफरेंट कलर, क्योंकि आप दो ग्राफ एक ही साथ प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ये तो हमारा हो गया पूरा इनपुट, ठीक है। अगर मैं इनपुट देखूं एक्स कॉमा वाई, तो 2 and 6, चलो इसका पहले देखते हैं क्योंकि 1 पहले आता है, तो 1 पहले देख लेते हैं। 1 and 7, तो 1 कहाँ देखूंगी मैं, एक्स एक्सिस पे, एक्स टू, ठीक है, एक्स एक्सिस, और 7 कहाँ देखूंगी मैं, वाई एक्सिस पे। तो मुझे जो सपोज करो जो एक्स वाई को मैं ब्लू कलर से प्लॉट करने वाली हूँ और एक्स टू वाई टू को मैं रेड कलर से प्लॉट करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 1 और 7 को प्लॉट करना है तो मैं कैसे प्लॉट करूंगी, कुछ इस तरह, ठीक है। फिर अगर मुझे एक्स और वाई को प्लॉट करना है तो एक्स और वाई क्या है मेरा, 2 and 6, तो 2 और 6 ये आपके आउटपुट में भी आ सकता है और इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, सो मेक श्योर कि ये रिवाइज करो, ठीक है। अगला अगर मैं प्लॉट करूं 3 and 8, ठीक है, 3 और 8, इससे अगला अगला मैं प्लॉट करूं तो क्या आएगा, 6 and 8, नो यस 6 and 8, तो 6 मेरा कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक है, और 8 मेरा कहाँ रहेगा, यहाँ पे, सॉरी विद ब्लू कलर, तो एज ऑन आप इनको पूरा प्लॉटिंग कर सकते हैं, आगे प्लॉटिंग हो नहीं पाएगी, 10 तक पहले नंबर्स नहीं लिखे हैं, तो आप पूरा नंबर लिखोगे और इसकी प्लॉटिंग करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ये एक्स वाई है जो जिससे कि ये जो ब्लू कलर की लाइन्स आ रही है, ये एक्स टू वाई टू है जिससे ये रेड कलर की लाइन्स आ रही है, ठीक है, ये बार है जिसकी वजह से ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है, ये लेबल है जिसकी वजह से यहाँ लेबल्स आए हैं यानी कि नेम्स आए हैं, ये टाइटल है जिसकी वजह से ये जो ये टाइटल आपका शो हो रहा है वो लिखा जाएगा, जो भी आपको टाइटल रखना है वो इसके अंदर लिखेंगे इन इन्वर्टेड कॉमास, मेक श्योर कि आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, बिकॉज ये क्या है, कैरेक्टर्स है, एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो आप देख सकते हो मैंने सबको किस में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में, फाइन। उसके बाद लिगेंड किस लिए यूज किया, क्यों, क्योंकि मुझे ये साइड में मेरे बॉक्स में चाहिए कि मैं किसको क्या से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को शो कराने के लिए, ये जो मेरा लेबल है इसको शो कराने के लिए मैं इसको यूज करती हूँ, और पूरे ग्राफ को शो कराने के लिए मैं PLD डॉट शो को यूज करती हूँ। बट इसका अगर आप सपोज करो आप लीगल लिख देते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ये यहाँ पे शो हो जाएगा और ग्राफ शो नहीं होगा, नहीं, फाइनली आपको PLD डॉट शो लिखना ही पड़ेगा तभी ये पूरा ग्राफ आपको अपीयर होगा, अदरवाइज नो। सो क्लास दिस इज अनदर बार ग्राफ, बट दिस इज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। जो अब तक हम करते आए हैं वो कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, यानी कि इस तरह से प्लॉटिंग होती है इनकी, बट अब जो हम करेंगे उनकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगी, हॉरिजॉन्टली प्लॉटिंग होगी, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, नंपी इम्पोर्ट किया, नंपी इम्पोर्ट क्यों किया, क्योंकि यह अरेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैट डॉट लिप डॉट पाइप्रोड एज PLT, यानी कि वो प्लॉटिंग के लिए, एज आई नो एज यू नो, ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स आपका मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने ये कुछ सीरीज लिखी है, एक पाइथन एक C++ है। अब आप देख सकते हो कि अब तक जो हम यूज कर रहे थे वो सिर्फ नंबर्स थे, यानी कि प्लॉटिंग में जो यहाँ और यहाँ वैल्यूज आ रही थी वो सिर्फ नंबर्स थी, पर यहाँ कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट एक वर्ड है, ठीक है। तो इसको कैसे प्लॉट करते हैं वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इन वर्ड्स को लिखेंगे। नेक्स्ट इज दैट वाई पोजिशन एपिडोट अरेज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी, तो कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6
6 लेंथ हो गई आपके ऑब्जेक्ट की। तो और एज फंक्शन में कितनी वैल्यू आई, 6 वैल्यू आई। और एज फंक्शन अब स्टार्ट करेगा फर्स्ट से और लास्ट तक जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि अगर 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है 6 तक जा रहा है, ठीक है, तो 1, 2, 3 इन सारी वैल्यूज को वो कवर करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 6 से 1 का वैल्यू वो ले लेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस अगर इसे एक एक्स्ट्रा भी होती तो वो गेट करता, बट ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस भी उससे अलग सी वैल्यू है, जैसे आप नॉर्मली एक्स वाई की वैल्यू अब तक लेते आ रहे हैं वही मैंने 10, 8 ये वैल्यूज ली है, ठीक है। अब यहाँ फाइनली करा रहे हैं प्लॉटिंग PLT। इस हॉरिजॉन्टल ग्राफ के लिए क्या लिखते हैं, बार एच, यानी कि बार एच लिखेंगे। वाई पोजिशन परफॉर्मेंस, सबसे पहले क्या पोजिशन देखना है, प्लॉटिंग किसकी प्लॉटिंग करनी, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना PLT.bar x, y, तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं y पोजीशन, जहाँ पे रेंज आई है, और y के लेक्स वैल्यू क्या है, परफॉर्मेंस, जो आपकी ये वैल्यू है, ठीक है। अलाइन कैसा रहता है, सेंटर, यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो सेंटर अलाइन होगा, उसका कलर क्या होगा, रेड। PLT.y x, अब हमें क्या जरूरत है कि अभी मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन मुझे उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में, जो मेरे ग्राफ पे जो लेंथ है उस ऑब्जेक्ट पे, हर एक लेंथ पे क्या पुट करा रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट्स का नाम पुट करा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, PLT.y text, यानी कि मुझे क्या चाहिए, y text, जो ये टिक्स है, ठीक है, इन पे y पोजीशन पे कौन सी वैल्यू चाहिए, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज PLT.title, प्रोग्रामिंग, इसका टाइटल क्या होगा, प्रोग्रामिंग, ठीक है, और इसको फिर शो करेगी, और इसका एक्स लेवल क्या होगा, यूजर्स, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिखा है एक्स लेवल यूजर्स। इसकी प्रोटिक देखते हैं, सबसे पहले वो क्या करेगा, आप देखो यहाँ से उसने सारे जो है, ये आपका 0 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप उसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे करनी है, पाइथन का अगर आप देखो तो पाइथन की वैल्यू कितनी जाती है, 10, पहली वैल्यू से पहली को मैच करेंगे, तो पाइथन 10, तो मैं मिडल ऑफ द थिंग लूंगी और इसको 10 तक प्लॉट कर दूंगी। अगली वैल्यू क्या है, C++ कहाँ तक तैयार है, 8 तक, तो इसको कैसे प्लॉट कर दूंगी, इतना। अगली वैल्यू क्या है, जावा कहाँ तक जाएगा, 6 तक, तो ये मैं इस तरह से प्लॉट कर दूंगी। अगली वैल्यू क्या होगी, पर्ल कहाँ तक जाना है, 4 तक। नेक्स्ट इज 2 एंड अनदर इज, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो गया है, ठीक है। अगर आपको सपोज करो कोई और भी वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ आप कुछ भी कंटेंट चेंज करो, जो भी आपको कंटेंट मिलता है, जो आपको वैल्यूज मिलती है, जो यहाँ प्लॉट करनी है वो आप इसमें भी चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ पे y पोजिशन नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती, मुझे सिंपल नाम चाहिए, इसका नाम ऑब्जेक्ट्स की जगह तुम O लिख सकते हो, इसका नाम परफॉर्मेंस की जगह जो सिंपली तुम्हारी x लिखते हो, x लिख रहे हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना टिपिकल नहीं बनाना। अगर यहाँ x लिखोगे तो परफॉर्मेंस की जगह यहाँ भी x लिखोगे, ठीक है। अगर यहाँ सपोज करो O लिख रहे हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स की जगह O लिखोगे, y पोजिशन की जगह y लिख दो, सिंपल, तो यहाँ डायरेक्टली क्या लिखोगे, y, तो क्या करो, PLT.bar h y x, किस किस को प्लॉट कर रहा है, y को, x को, एंड लाइन के साथ सेंटर कलर y, PLT.y text, y पोजिशन की जगह आप सिंपल क्या रख दो, y रख दो, ठीक है, और y में किसकी वैल्यू जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स की, ऑफकोर्स ही बात है, आपको y में किसकी वैल्यू चाहिए, ऑब्जेक्ट्स, कोई नंबर्स तो चाहिए नहीं। एक्स लेबल यूजेस हो गया आपका, टाइटल प्रोग्राम भी हो गया, तो आपके जो डेट्स होते हैं आपको इतना टिपिकल नहीं लेना है, कितने बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं यार इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है, ये क्या, आप सिंपली डे भी यूज कर लो, ये सिर्फ वेरिएबल है फॉर योर रेफरेंस, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। क्लास शायद अभी तक गए होगे, मैं भी बहुत थक गई, और अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं, दैट इज अवर हिस्टोग्राम, ठीक है, यहाँ पे अब हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। इसके बाद सिर्फ एक ही पैटर्न है, वो हमारा है पाई चार्ट, उसके बाद द वीडियो इज ओवर, और आज ये चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, वो भी मेरे स्टूडेंट की वजह से, एंड ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, तो उसी ने एफर्ट लगाया काफ़ी कि हाँ मैम कम्प्लीट करा दो, तो आज कम्प्लीट हो गया, एंड इज नेम इज अर्जुन। सो द फर्स्ट थिंग इज कि इम्पोर्ट मैटर ऑफ पाइपर एस PLT, डेटा स्टूडेंट्स देख लो, ये हमारा डेटा ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, डेटा स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, जहाँ पे एक्स वाई पॉइंट मीट कर रहे हैं, हमारे को इसकी वैल्यू का कुछ यहाँ पे करना नहीं है, बट यहाँ पे एक्स वाई पॉइंट मीट कर रहे हैं, ठीक है,
उसका ये डेटा गिवन है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, plt.hist इम्पोर्ट किया, डेटा स्टूडेंट्स की वैल्यू थी, हिस्टोग्राम आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो उसके पहले सबसे पहले आप क्या डालेंगे, डेटा स्टूडेंट, यानी कि किसका डेटा डाले, स्टूडेंट का डेटा डाले। बिन्स यानी कि किन खानों में, बिन्स यानी कि मान लो एक कंटेनर रूम का, ठीक है, एक कंटेनर है। कंटेनर कैसा है, 0 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस में आएगी, जो जैसे इनमें से 0 से लेकर 10 तक जो वैल्यू है, 1, 11, 21, इनमें से जैसे 1 है वो 0 से लेकर 10 तक की रेंज में आएगा, 11 है वो 10 से लेकर 20 तक की रेंज में आएगा, 21 है, तो ऐसी काफ़ी सारी लंबी वैल्यूज हो सकती है। यहाँ हम छोटी सी लंबी वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, और उसका वेट क्या है, इतना उसका वेट है, फाइन। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कोई आप एक डाइस फेंक रहे हो तो डाइस की वैल्यू तो नहीं है, पर अगर आप ताश खेल रहे हो तो 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 10, ठीक है, 11 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1, 21 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0। इस तरह से आप बांट के चलो कि हमारी ये वैल्यू है और ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, लेबल कर रहे हैं वैल्यू, तो हमारे एक्स लेबल का नाम क्या होगा, वैल्यू। plt.y लेबल, y लेबल का नाम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। plt.title, टाइटल हमारा क्या है, हिस्टोग्राम। और plt.show, ताकि हम इसको डिस्प्ले करा सके, प्रिंट की जगह यहाँ पे हम शो यूज करते हैं, फाइन। तो इसको कैसे करें कि plt.hist डाटा स्टूडेंट बिड्स 0 से लेके 10 तक, ठीक है। अब 0 से लेके 10 तक आप इसको ऐसे पढ़ोगे, अब आप इंडिविजुअल रीड नहीं करोगे, आप टुगेदर रीड करोगे, क्यों, क्योंकि आप हिस्टोग्राम बना रहे हो और हिस्टोग्राम में एक रेंज गिवन होती है। मेरी नाक भी बंद है, पता नहीं मेरी आवाज कैसी आ रही होगी, क्लियर है या नहीं, आई डोंट नो। तो हिस्टोग्राम में क्या हुआ, 0 से लेके 10 तक की वैल्यू, 0 से लेके 10 तक मेरी कितनी वैल्यूज है, 10, यानी कि 0 से लेके 10 तक 1 आए, कितनी प्रॉब्लिटी होगी आपकी, 10, 0 से लेके 10, ठीक है। तो इस तरह से अब आप ये रेड कलर, मैं रेड कलर क्यों बना रही, क्यों, क्योंकि वो बोला एज कलर रेड होना चाहिए और फेस कलर येलो, छोड़ो यहाँ ब्लू लिख देती हूँ बिकॉज आई हैव ब्लू कलर, तो इसका फेस कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला बोलता है 10 से लेके 20 तक 1, 10 से लेके 20 तक 1, तो आप इसको किस तरह से करोगे, इस तरह से, और यहाँ एज कलर क्या भर, इसके फेस कलर क्या भरोगे, ब्लू, यानी कि फेस कलर जो इसके अंदर फिलिंग हो रही है, एज कलर जो इसके एजेस में बाहर की आउटर फिलिंग है। 20 से लेके 30 तक कितना, 0, 0, तो मतलब ब्लैक। 20 से लेके 40 तक कितना, 33 अराउंड कितना, ठीक है। 40 से लेके 50 तक कितना, 6, 6 यानी कि अराउंड इतना, ठीक है। 50 से लेके 60 तक कितना, 8, 8 यानी कि अराउंड इतना, और इसके अंदर फेस कलर क्या आएगा, ब्लू, ठीक है, जो भी आपको फेस कलर दिया जाता है ब्लू। इस तरह से आपकी ये किसकी प्लॉटिंग होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ ब्लैक इसीलिए छोड़ा है क्योंकि मेरे 20 से 30 तक में तीसरी वैल्यू क्या है, 0 है। ये 10 से 20 की वैल्यू है, ये 20 से 30 की वैल्यू है, 30 से 40 की, 40 से 50 की, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो 20 से 30 की वैल्यू मेरी क्या है, 0, ठीक है। तो और ये 0 से लेके 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 से 10, 10 से 20, और ये 20 से 30 की वैल्यू कितनी आगे भेज, 0, ठीक है। तो ये मेरा हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में डिफरेंस यही है कि plt.hist यूज करते हो, बिट्स यूज करते हो, बिट यानी कि कंटेनर, कंटेनर में आप वैल्यू क्या डाले हो, 10, 1, 0, 3, 36, 8, ठीक है, 36 और 33, 6, और लेबर बाय ए, ये सारी चीजें सेव। सो क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट, एक ही क्वेश्चन है इसके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे कैसे, इम्पोर्ट बेड प्लॉट लिप पाई प्लॉट इज पीएलटी स्ट्रीम, मेडिकल नॉन मेडिकल, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद आईपी, ह्यूमैनिटीज, ये सारी हमारी स्ट्रीम्स हैं। तो इनको आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, ये सारी इनकी नेमिंग है, सॉरी यहाँ पे एक कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं 4 ही वैल्यूज कंसिडर करके चल रही हूँ बिकॉज आई हैव 4 कलर्स ओनली। तो मेडिकल नॉन मेडिकल, कॉमर्स विद मैथ्स और कॉमर्स विद आईपी। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मेडिकल में 32 है, नॉन मेडिकल में 41 है, फिर 55 है, फिर 60 है। कलर्स कौन कौन से चाहिए मुझे, रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, यानी कि जो रेड कलर के कितने वैल्यूज है, रेड कलर कितना पोर्शन कवर करेगा, जितना ये पूरे चार्ट में 32 कवर कर रहा है, ब्लैक कलर 41, ब्लू कलर इतना और व्हाइट कलर इतना, फाइन। एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड में आप देख सकते हो मैंने बाकी जगह सबको क्या रखा है, 0, 0 रखा है, ठीक है, बाकी जगह सबको क्या रखा है, 0, 0 रखा है, बट फर्स्ट वन को 0.1 रखना है, यानी कि जो ये डिस्टेंस है, मैं अगर 0.1 से ज़्यादा लेती हूँ या अगर 2 लेती हूँ तो ये डिस्टेंस यहाँ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पे 0 लेती हूँ
तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पर अटैच हो जाएगा। आप देखते हो पाई चार्ट पे ऑटोमेटिकली आपको एक चीज़ आउटसाइड एग्जर्टेड दिखती है, तो वो कहाँ से दिखती है, यहाँ से, ठीक है। तो ये 0.1 क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस है, और इन सब के बीच में क्या है, 0.0.0। तो आप देख सकते हो बाकी सारे में कोई डिस्टेंस नहीं, सब में कैसा डिस्टेंस है, 0.0, ठीक है। PLT. अब उसको प्लॉट करा दे, पाई चार्ट को प्लॉट करा दे। तो प्लॉट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिससे कि वो रेंज लेगा पूरे चार्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे 32 पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग कितना आता है, 41 पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग कितना वैल्यू होगी, एक्सप्लोर्ड इक्वल टू एक्सप्लोर्ड, यानी कि एक्सप्लोर्ड में एक्सप्लोर्ड की वैल्यू सेम होगी ये यहाँ, ठीक है। कलर इक्वल टू कलर, यानी कि कलर में, सॉरी नॉट हेयर, कलर्स में कलर्स की वैल्यू सेम होगी, दिस इज हेयर। और लेबल क्या रहेगा, स्ट्रिंग, यानी कि इसका पूरे का लेबल क्या रहेगा, स्ट्रिंग। उसके बाद PLT.title, टाइटल क्या रहेगा, PLT.chart, यानी कि इसका टाइटल क्या रहेगा, PLT.chart। देखो लेबल डिफरेंट चीज हो गई और टाइटल, जो टाइटल डिफरेंट चीज हो गई। देखो लेबल क्या करते थे तुम, यहाँ पे एक्स लेबल और वाई लेबल करते थे यहाँ, ठीक है। तो ये इस ये ग्राफ के लिए है, और फिर इसका टाइटल भी लिखते थे। तो ये जो स्ट्रीम है ये इसके लिए है, और ये जो टाइटल है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये बता, स्ट्रीम ये बता रहा है कि हाँ ये जो हमने बनाया है ये किस बेस्ड पे, ये स्ट्रीम दिखा रहा है। ये जो पाई चार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या डाला है, टाइटल, ये है क्या एक्चुअली में, तो ये क्या है, पाई चार्ट है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, ठीक है। और फिर आखिरी में PLT.show। अब इसका आउटपुट आएगा तो कैसे कर रहा है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखे, सपोज करो ये भी दे रखी है कोई वैल्यू, 125, 310, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है। अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दे सकती है, अब आपको अकॉर्डिंगली सिर्फ इतना देखना है, आप ज्यादा मैट्रिक मैट्रिक्स पे बच जाओ, इतना देखो कि ये चार वैल्यूज है, इसमें 125 थोड़ा कम लग रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, इसका पाई चार्ट थोड़ा कम बना दोगे। 310 क्या लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको बड़ा बना दोगे। फिर आपको क्या अगली चीज देखनी है कि एक्सप्लोर्ड में क्या वैल्यू है। अगर ये सारा 0.0 है तो ये सारे साथ में आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं। बट अगर आपको यहाँ छोड़ो, यहाँ पे भी कोई वो होता है 0.1, तो यहाँ पे तीसरी वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, यानी कि कॉबर्स विद वेयर जो होगा वो आउटर में आएगा, ठीक है। अगर आपका लास्ट में आता है तो आप किसी को भी कर दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली करना है आपने, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मेरा 0.1 इसकी वजह से, जो मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट अफेक्ट हो रहा है मेडिकल, तो ये मेरा कौन सा पार्ट है, मेडिकल पार्ट। फिर कौन सा आएगा, नॉन मेडिकल। फिर कौन सा आएगा, कॉमर्स विद बैथ। फिर कौन सा आएगा, कॉमर्स विद आईटी, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। और मैंने कुछ बच्चे मुझसे सिलेबस मांग रहे थे, नोट्स मांग रहे थे, तो उनके लिए मेरा इतना ही रेफरेंस रहेगा कि यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कह रही हूँ, टेलीग्राम, फाइन, जस्ट फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। ऑन टेलीग्राम मेरा जो चैनल है @PythonSpark, अगर आप चाहो तो मैं आपको सिलेबस और जो भी सिलेबस रिलेटेड नोट्स और पेपर्स, जो मेरे कुछ मेरे पास पेपर्स है, वो मैं वहाँ शेयर कर सकती हूँ, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकती हूँ, जो जो आपके क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होती है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।